गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट पर टोटल सीरीज। और आज है डे 7 और डे 7 में जैसे कि हम जानते हैं मूव और रिपीट टूल हो चुका है, आज है मिरर टूल। तो मिरर टूल करते हैं, पहले इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। तो मिरर टूल चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं, कोई एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे मिरर करेंगे हम। मैं ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ग्रिड में मैंने बनाया है एक एल शेप, ठीक है। अब मुझे इस एल शेप का मिरर बनाना है यहाँ पे, तो मैंने सेलेक्ट किया और ये है आपका मिरर टूल, इस पर क्लिक किया, ऊपर रख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा है मिरर प्लेन, देखिए ये सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, और कुछ नहीं है मिरर प्लेन में। ये हमारा स्ट्रक्चर कौन से प्लेन में बना है, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई प्लेन में। अगर हम यहाँ मिरर रखते हैं, एग्जांपल आपका ये एल शेप है, ठीक है, ये आपका है एक्स और ये है आपका वाई। तो आप मिरर जो रखोगे वो मिरर तो आप यहाँ रखोगे ना, वही मिरर में इमेज देखनी है आपको, तो यहाँ पे ये मिरर हो गया। मिरर और इसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। तो देखिए ये जो मिरर है इसकी लेंथ किस डायरेक्शन में, वाई में, और इसकी जो हाइट होगी मिरर की अप होगी ऊपर को जेड डायरेक्शन में। इसकी जो मिरर की हाइट किस में होगी, जेड डायरेक्शन। तो मिरर का प्लेन क्या हो गया हमारा, मिरर का प्लेन हो गया वाई और जेड। तो देखते हैं इसमें हमने वाई जेड सेलेक्ट किया, उसके बाद पूछ रहा है कि जो दूसरी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। तो मैंने येलो कलर से लिया नोड और यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इससे टच होके बनेगी। और कॉपी यानी कि ये इसके पास ही एक और कॉपी इमेज जाएगी, मूव यानी कि ये हट जाएगी और मिरर इमेज बन जाएगी, ये बन गई। अब मुझे इन दोनों का मिरर बनाना है ऊपर और बिल्कुल अटैच करना नहीं है, 1 मीटर दूर। तो देखिए कैसे बनाएंगे मिरर टूल। अब ये हमारा एक्सिस है वाई और ये है हमारा एक्स, है ना। अगर हम यहाँ मिरर रखेंगे तो उसके क्या होगा, एक्स और जेड, एक्स और जेड। तो मैं बनाना कहाँ चाहता हूँ, अगर मैं नोट कर्सर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नोट कर्सर की हाइट कितने डिस्टेंस पे, 8 मीटर पे। मैं बनाना चाहता हूँ 9 मीटर पे और ओके कर दिया हमने, ये 9 पे बन गया। ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, क्या 1 मीटर दूरी बनाए, ये 2 मीटर दूर बनाए, क्योंकि जो हमने 1 मीटर एक्स्ट्रा दिया है वो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आपको 1 मीटर दूर बनाना था तो आपको 0.5 देना था। तो मिरर टूल में बस इतना ही है, थैंक यू।